सो गाइस, आज हम करने वाले हैं इन बालों पे हेयर ट्रीटमेंट करने वाले हैं। और गाइस, बालों में आप देख सकते हैं, इनके बालों में काफ़ी ज़्यादा फ्रिजनेस है। और ये फ्रिजनेस का कारण गाइस ये है कि इन्होंने एक बार मेहंदी लगा रखी है और काफ़ी बार इन्होंने कास्टिंग वाला कलर यूज़ कर रखा है, जो बॉक्स वाला कलर आता है ना, डाई वाला, वो वाला यूज़ किया हुआ है। और इनको ना बालों में स्मूथनेस और स्ट्रेट दोनों लुक चाहिए, और साथ ही साथ इनको रिपेयर भी चाहिए। तो गाइस, स्मूथनिंग तो हम इन बालों पे नहीं करेंगे, क्योंकि हार्श केमिकल है थोड़ा सा, तो वो बालों को बंद कर सकता है। तो गाइस, सबसे पहले हमने कि इनका हेयर वॉश कर लिया है, और प्रोडक्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले आपको मैं अच्छे से प्रोसेस बता देता हूँ, उसका क्या प्रोसीजर है करने का, और इस ट्रीटमेंट का नाम क्या है, उसको कैसे करते हैं, सब सारा कुछ बताऊंगा इस ट्रीटमेंट के बारे में, और आपको प्रोडक्ट भी आगे मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस, हम प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो है, उसको हमें एप्लीकेशन करनी है ओनली डेप्थ डेप्थ करके। और गाइस, वाकई में आपको मैं इसका जो एप्लीकेशन फील कर रहा हूँ ना इस ट्रीटमेंट की, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एप्लीकेशन है। और प्रोडक्ट ना बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ होता है, जैसे कि केराटिन होती है ना, आपको पता है, उससे मान लीजिए 60-70% उससे ज़्यादा स्मूथ है एप्लीकेशन करने में। और आपको पता है, वेट हेयर पे एप्लीकेशन ज़्यादा स्मूथ होती है, जबकि मैं ये जो एप्लीकेशन कर रहा हूँ फुल्ली ड्राई हेयर पे कर रहा हूँ, तो आप ही मान सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्मूथनेस है इस वाले प्रोडक्ट के अंदर। देखिए, सिर्फ ओनली 3 डैप कर रहा हूँ मैं, और नीचे से ऊपर की साइड आपको आना है। हमेशा जब आप एप्लीकेशन करते हो किसी ट्रीटमेंट की, या केराटिन की, या नैनोप्लास्टी, या टेनिनोफ्यूजन वगैरह की, तो आपको क्या करना है, एंड से लेके ऊपर जाना होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एमल्सीफाई आपको एंड्स पे करना होता है, क्योंकि ज़्यादा हमारा जो बाल रफ और थिन जो होता है, ड्राई होता है, वो एंड्स की तरफ से ज़्यादा होता है। और गाइस, प्रोडक्ट की बात करें तो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है, ये है हमारा टेनिनोफ्यूजन, जिसको हम सिल्क प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, सिल्क एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, ये टेनिनोफ्यूजन क्या है, नैनोप्लास्टिया सुना है, टेनिनोप्लास्टिया सुना है, लेकिन ये टेनिनोफ्यूजन क्या चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ये एकदम प्रोसेस करने में नैनोप्लास्टिया की तरह है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो नैनोप्लास्टिया और टेनिनोप्लास्टिया से बहुत ज़्यादा अलग है, और कुछ कुछ प्रोसेस थोड़ा सा नैनोप्लास्टिया और टेनिनोप्लास्टिया से भी अलग है। कैसे गाइस, देखिए, जैसे कि हम नैनोप्लास्टिया की एप्लीकेशन करते हैं, टेनिनोप्लास्टिया में एप्लीकेशन करते हैं, उसमें हेयर काफ़ी ज़्यादा स्टीक हो जाता है और प्रेसिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और गाइस, उसमें मैंने कि आपको उसको 1-1 घंटे लगा के रखना होता है। मान लीजिए कलर वाला बाल है, तो उसमें भी कम से कम आपको 45 या फिर 50 मिनट्स आपको लगा के रखना होता ही होता है। और इसमें आप मानेंगे नहीं, इसकी जो टाइमिंग है गाइस, वो सिर्फ 15 मिनट की टाइमिंग है, सिर्फ 15 मिनट्स की इसकी टाइमिंग है। सिर्फ 15 मिनट इसको रखने के बाद आपको हेयर में इतनी स्मूथनेस मिलेगी, इतना सॉफ्टनेस मिलेगी, साइन और इतना स्ट्रेट लुक मिलेगा। नैनोप्लास्टिया आपको अप टू 90 देता था ना, ये नैनोप्लास्टिया से भी ज़्यादा स्ट्रेट आपको देने वाला। और गाइस, ये देखिए ना, ये नैनोप्लास्टिया में आपको 3-4 घंटे लगते थे ना, इसको सिर्फ आप 2 घंटे में पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। और गाइस, एप्लीकेशन ख़त्म करने के बाद आपको लगा देनी है क्लिंग रैप बालों में, अच्छे से क्लिंग रैप लगा के रखनी है, ताकि जो आपके प्रोडक्ट है अच्छे से बालों में पेनिट्रेट हो सके। सिर्फ 15 मिनट हम बालों में रखने वाले हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस गाइस करेंगे। तो गाइस, मैं आपको पहले बता दूँ कि ये क्लिंग रैप हटाने के बाद हमें क्या करना है। गाइस, हमें सिर्फ 1 बाउल पानी, जिसमें आप कलर बनाते हो ना, 1 बाउल पानी, यानी कि मतलब छोटा सा बाउल हो तो 1 बाउल बहुत है, अगर आपका थोड़ा सा बड़ा बाउल है तो आधा बाउल बहुत है। सिर्फ मान लीजिए 1 कप ले लीजिए, ठीक है, 1 कप पानी, जितना जो टी वाला कप होता है, चाय वाला, उससे आपको लेजी रिंस करना है। 1 कप पानी से आपको सारा ये प्रोडक्ट निकालना है, सिर्फ प्रोडक्ट आपको 30% निकालना है, ठीक है गाइस। ज़्यादा प्रोडक्ट आपको बालों से नहीं निकालना है, वो प्रोडक्ट निकालने का भी यही कारण है, ताकि हमारा जो ड्रायर है वो स्ट्रेट ड्रायर अच्छे से हो सके। उसके बाद गाइस, वो के लेजी रिंस वाली वीडियो ना मेरी मिस हो चुकी थी, तो मैंने ढूंढा काफ़ी ज़्यादा, तो ऐड नहीं कर पाया, तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से आपको लेजी रिंस करना है। बालों को सुखाने के बाद आपको अच्छे से ब्लो ड्रायर कर लेना है। गाइस, आपको दिख रहा होगा कि इसमें स्मोक जो है बहुत ही कम है। गाइस, आपको जो हेयर सुखाना है वो मीडियम हीट पर सुखाना है, और जो मैं ये ब्लो ड्रायर कर रहा हूँ ये भी मीडियम हीट पर ही कर रहा हूँ। और गाइस, ज़्यादा हीट लोगे तो स्मोक ज़्यादा बनेगा, तो इसको इसका जो प्रोसेस है उसमें मीडियम हीट ही है, तो आपको मीडियम हीट पर ही आपको ड्रायर अच्छे से कर लेना है।
और जो इसका स्मोक है उसकी फ्यूम्स जो है बिल्कुल भी नाक में नहीं लगेगी, ना ही वो कैरेटिन की तरह आपके आंखों में लगेगी। तो गाइस कम्प्लीटली आपको अच्छे से स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर लेना है। तो गाइस आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे सैलून से रिलेटेड कोई ऐसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गाइस वो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है, उस पर हमारा एड्रेस और नंबर दोनों चीज़ मेंशन है। तो आपको हमारे सैलून से रिलेटेड कैसी भी इंक्वायरी चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस हमारे सैलून का जो एड्रेस है कार्ड पे मेंशन है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, हमारा जो सैलून का एड्रेस है वो रोहिणी सेक्टर 17 मेन मार्केट राकेश मेकओवर के नाम से गाइस ये न्यू दिल्ली में है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है गाइस हमारा जो है स्ट्रेट ड्रायर वन साइड से पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसको मैं बिल्कुल फील कर रहा हूँ ना गाइस, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि बालों में प्रोडक्ट लगा हुआ है, अभी भी बिल्कुल स्मूथ हो रखे हैं बाल। बस आपको 20% ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ बालों पे लगा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा जैसे नैनो प्लास्टिक में लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बालों में प्रोडक्ट लगा हुआ है। वो प्रेसिंग जो है आपकी बहुत खींच खींच कर चलती है नैनो प्लास्टिक टेनिनो प्लास्टिक में, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम स्मूथली आपकी जो है प्रेसिंग चलेगी। और आपको एक स्ट्रैंड पे कम से कम 15 से 20 बार आपको रिपीटेशन करनी है, 15 से 20 बार रिपीट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्सचर करेंगे। अगर बाल पतला है तो आपको बिल्कुल ज़्यादा पतला है तो 10, अगर मीडियम है तो 15, अगर आपके बाल क्लाइंट का हेयर जो है मोटा है उस पर आपको 20 बार करना है, ठीक है। और प्रेसिंग जो है पूरी रूट से लेके एंड तक पूरी ले जानी है, ठीक है गाइस। आधी आधी प्रेसिंग आपको नहीं करनी है, आपको जितना आप जैसे रूट्स पे ले जा रहे हो देखिए पूरा ये ऐसे ही स्प्रेड करते हुए एंड्स पे लेके आ रहा हूँ। इस तरह से आपको प्रेसिंग अच्छे से कम्प्लीटली कर लेनी है। सेक्शन आपके वैसे ही रहेंगे, मतलब फाइन फाइन सेक्शन रहेंगे, थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा जितनी आपकी जो प्रेसिंग रहेगी। ये देखिए गाइस ऊपर का जो सेक्शन है पूरा 90 डिग्री पे उठा के अच्छे से करना है, पहले अच्छे से रूट्स पे कर लेना है, देन आपको लेंथ पर करना है। और लेंथ पे आपको पूरी लेंथ कवर करनी है प्रेसिंग में। कुछ लोग होते से आधा लेते हैं, आधा बाल छोड़ देते हैं एंड्स पे, तो वो एंड थोड़े से रफ से रहते हैं। प्रेसिंग करने के बाद क्लाइंट को 10 मिनट वेट करना है, देन आपको इसका जो ये मास्क है ये यूज़ करना है, अच्छे से हेयर पे लगा देना है और आपको 15 मिनट वेट करना है। बालों पे अच्छे से लगाने के बाद बाल देखिए आप फील करोगे खुद कितने ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, 15 मिनट वेट करना है। 15 मिनट वेट करने के बाद आपको इस मास्क को रिंस कर देना खाली पानी से निकाल के। आपको इसी का जो सीरम है ये आपको सीरम लेना है, और सिर्फ ज़्यादा सीरम नहीं लेना आपको, मैं आपको बता दूं सिर्फ 1 से 1.5 ड्रॉप आपको सीरम लेना है। और मैं आपको अपनी क्लाइंट को समझा भी रहा था कि आपको 1 से 1.5 पंप सीरम लेना, अच्छे से हाथ पर रब करके ओनली सिर्फ लेंथ पर अच्छे से लगा लेना है। इस तरीके से लेंथ पर आपको सीरम लगाना है। और गाइस आगे वीडियो का रिजल्ट के बाद हम थोड़ी सी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट है टेनिनो फ्यूजन का, किस तरीके से यूज़ करना है ये मैंने आपको बता दिया है। प्रोडक्ट को के बारे में बता दूंगा, इसके 3 स्टेप है, पहला जो हमने ट्रीटमेंट किया था, दूसरा जो है हमने मास्क लगाया था, तीसरा जो है हमारा सीरम हो गया। और गाइस ड्रायर अच्छे से बालों को सुखा लेगा, और गाइस आपको फाइनल लुक भी दिखा देता हूँ आफ्टर ड्रायर के बाद क्या लुक थी हमारी। गाइस इसमें सिर्फ स्ट्रेट ड्रायर वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ, ये आफ्टर हमारी सिर्फ ओनली ड्रायर की लुक है। और गाइस अगर हम इनके हेयर पे स्मूथनिंग करते तो शायद ही इतनी साइन आती, क्योंकि कास्टिंग वाला हेयर था तो बाल बिल्कुल रफ़ रफ़ से हो जाते हैं उसमें, तो आपको पता ही है, ना ही वो साथ में रिपेयर हो पाते, उसमें फ्रिजनेस उतनी ही बढ़ती क्योंकि स्मूथनिंग का केमिकल थोड़ा सा जो है वो हार्श रहता है, तो वो कास्टिंग वाले हेयर पे प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाता। तो गाइस फाइनल रिजल्ट हमारा कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और गाइस बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो गाइस ये देखिए इसके 3 प्रोडक्ट मैंने बताए थे आपको, दिख रहा बीच वाला जो बड़ी बोतल है वो हमारा ट्रीटमेंट है, और उसके लेफ्ट साइड जो रखा हुआ हमारा मास्क है, और राइट साइड रखा है जो वो हमारा सीरम है। और गाइस इस ट्रीटमेंट का नाम मैंने आपको बता दिया, कुछ लोग सिल्क एक्सप्रेस, सिल्क प्रोटीन, सिल्क फ्यूजन के नाम से जानते हैं, तो इसको जो इसका जो रियल नाम है वो वैसे इसको सिल्क प्रोटीन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जब आप गूगल वगैरह करोगे तो उसी नाम से आएगा। और गाइस प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है। गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।